ओम शांति, आप सबका स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 10 अक्टूबर की, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम हर घड़ी को अंतिम घड़ी जैसे जिएं। क्या आप गारंटी कर सकते हैं कि आपका एक सेकंड अगला सेकंड आपके हाथ में, फुल कंट्रोल आपके हाथ में है? बस एक ही चीज़ गारंटी है कि आप उस अगले सेकंड में कितना खुश रह सकते हैं या कितना दुखी रह सकते हैं। शरीर का को कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछले कार्मिक अकाउंट्स जो हैं, जो हमने कर्म किए हैं, उसके हिसाब से हमारे शरीर की अभी प्रेजेंट अवस्था है। चाहे हमने किसी को दुख दिया हो, चाहे हमने किसी से दुख लिया हो, बहुत सैडनेस में रहे हो, बहुत हमने फ्रस्ट्रेशन महसूस करी हो, उस कारण से आज हमारे शरीर में जो व्याधियाँ हैं वो हैं। तो अगला सेकंड आप या तो अपने आप को खुश रखें, और चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, और अपने आप को स्वस्थ रखें, या तो फिर आप स्ट्रेस में रहें, टेंशन में रहें, और अगले घड़ी का कोई सेकंड का कोई भरोसा नहीं है। दोनों केस में, चाहे आप खुश हों चाहे आप दुखी हों, लेकिन आप जाना कैसे चाहते हैं? खुशी खुशी जाना चाहते हैं या दुखी दुखी जाना चाहते हैं? लोग कहते हैं कि हम खुशी खुशी जाना चाहते हैं, कोई दर्द ना हो, तो उसके लिए कंडीशंस हैं कुछ। तो देखें परमात्मा कहते क्या हैं उन कंडीशंस के बारे में। परमात्मा वेदा कहते हैं, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। किस चीज़ का पुरुषार्थ कर रहे हैं हम, किस चीज़ की मेहनत कर रहे हैं कि हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी जो भावनाएं, हमारे जो थॉट्स हैं, वो क्लीन और क्लियर रहें, उसमें किसी के प्रति, किसी चीज के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, कोई सिचुएशन के प्रति कोई भी बुरी भावना ना हो। जो बच्चे, परमात्मा हमें बच्चे कहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी हैं, वह हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर एवर रेडी रहते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा, कि अभी तो बहुत साल है, अभी तो 10 साल है, अभी तो 15 साल है, अभी तो 20 साल है, ना वो ऐसे नहीं सोचते। उनको ये पता है कि हाँ वो साल हो सकते हैं, लेकिन मेरा शरीर कल भी छूट सकता है, तो मैं अपने आप को खुश रखूँ, संतुष्ट रखूँ, औरों को संतुष्ट रखूँ, खुश रहूँ। फिर परमा कहते हैं, ऐसा नहीं सोचते कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा, फिर तैयार हो जाएंगे, है ना। आदत होती है ना कि लास्ट मिनट में एग्जाम के लिए तैयार होना, यहाँ पे वैसे नहीं होगा, ये लाइफ का एग्जाम है। उस अंतिम घड़ी को देखने के बजाय यही सोचो कि अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं। एग्जाम पेपर को पता है, 1 साल आपने पढ़ाई करी है, 1 साल के बाद में आपका फाइनल एग्जाम आएगा, लेकिन यहाँ का फाइनल एग्जाम, लाइफ का, शरीर छोड़ने का फाइनल एग्जाम, डेथ का फाइनल एग्जाम, ये आपको बता के नहीं आएगा। अपनी स्थिति सदा उपराम रहे, मतलब कि डिटैच रहे। हम आए हैं कुछ समय के लिए, यहाँ पे जो कार्य करना है करना है, उसके बाद चले जाना है। हाँ, कार्य क्या करना है? सेवा करनी है औरों की, आत्माओं की मदद करनी उनको, और जो आत्मा औरों की मदद करते हैं उनको खुद ही मदद मिलती है। सबसे न्यारे और बाप के प्यारे नष्ट मोहा, सबसे न्यारे और बाप के प्यारे, चीज़ों से न्यारे, लोगों से न्यारे, सिचुएशन से न्यारे, धन दौलत से न्यारे, संबंधों से न्यारे, हर चीज़ से न्यारे। मतलब कि न्यारा का मतलब क्या है? डिटैच। डिटैच का मतलब यह है कि आपको उनसे कोई इच्छाएं नहीं है, आपके बारे में बुरा नहीं है, आपको घृणा नहीं है, आपको नफरत नहीं है उनसे, लेकिन आपको उनसे कोई इच्छाएं नहीं है। आपने उनके प्रति प्रेम नहीं खत्म कर दिया, लेकिन उनसे प्रेम रखने की इच्छा खत्म कर दी आपने, प्रैक्टिस करते करते। एक दिन में नहीं होगा, टाइम लगता है। फिर परमा कहते हैं कि सदा निर्मोही और निर्विकल्प, किसी से मोह ना हो और कोई विकल्प ना हो, क्योंकि ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था उसको, ऐसे ये भी क्या हो गया, एक्सपेक्टेशंस हो गई। निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, कोई व्यर्थ नहीं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, अरे मेरे साथ ही क्यों होता है। ये करने से भी क्या होता है, अगर आपको नेक्स्ट सेकंड में अगर आपने शरीर छोड़ दिया, आप भूतकाल में रह गए, आपने परमात्मा को याद नहीं किया, आपने उस जगह को याद नहीं किया जहाँ पे आपको वापस जाना है, आपने इस भूतकाल को, इस दुनिया को याद किया, तो कहाँ जन्म लेना पड़ेगा, सोचिएगा। फिर परमा कहते हैं, सदा निर्मोही, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी ना हो तब कहेंगे एवर रेडी, नो वेस्ट थॉट्स। ये होता कैसे, इसको आपको सीखने के लिए ब्रह्म कुमारी इसमें आकर के और डिटेल में सीखना पड़ेगा। इसके साथ ओम शांति।